यहाँ पर भैया ने आग जलाई है और प्रमोद आग ताप रहे हैं। बिल्कुल ऑफ रोड है यहाँ, जहाँ से पवन भाई नए रास्ते से लेके आए हमको। हमारा एक दोस्त नया यहाँ पर, प्रमोद भी इंजॉय कर रहे हैं बर्फ का और पवन भाई भी फोन लगा रहे हैं घर पे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और काफी शानदार मौसम है आज और हमने कहीं पहाड़ों में घूमने का प्लान बनाया है। अभी कुछ ही देर में दोस्त आने वाले हैं, हमारे नए दोस्त, चलते हैं उनके साथ, करते हैं मजा, लेते हैं, एंजॉय करते हैं पहाड़ों में घूमकर। चलिए गाइस। पवन भाई और प्रमोदा के साथ आज हम निकल चुके हैं पहाड़ की शहर में और काफी शानदार मौसम हो रहा है। अभी हम पहुंच चुके हैं सलड़ी और यहाँ का आलू रायता बहुत ही फेमस है और आज तो हमने नहीं खाया। जब भी हम आते हैं यहाँ आलू रायता पक्का खा के जाते हैं। और प्रमोदा कह रहे हैं यहाँ का रायता काली मिर्च वाला, प्रमोदा काली मिर्च राई वाला जो रायता होता है, जो नाक में बिल्कुल एकदम चटक कर देता है, वो रायता मिलता है यहाँ। अभी हम पहुंच चुके हैं भीमताल और पवन भाई की थोड़ी आंख में दिक्कत हो चुकी है और वो मेडिकल स्टोर से ड्रॉप लेने गए हैं। प्रमोदा कह रहे हैं कुछ ठंडा लगने लग गया है और यहाँ काफी तेज बारिश हो रही है हल्द्वानी के मुकाबले। आगे चलकर लगता है कहीं बर्फबारी देखने का भी मौका मिल जाए हम लोगों को। और आज बर्फ देखने को मिलेगी तो काफी मजा आएगा। आज हम आए हैं तो बर्फ तो पड़नी निश्चित ही है। आज प्रमोदा हमारे साथ लकी है जो बर्फ पड़ जाएगी कह रहे हैं। देखते हैं प्रमोदा आज बर्फ पड़ती है। पवन भाई का वेट कर रहे हैं, पवन भाई कुछ ही देर में आ रहे हैं, तब तक हम आपको बाहर बारिश दिखाते हैं। ये पवन भाई की आंख से पानी निकल रहा था इसलिए ड्रॉप लेके आए हैं। बहुत बड़ी सजा मिल गई है, 240 रुपए की 2 ड्रॉप। पवन भाई की आंख में प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ा गाड़ी चलाने में भी दिक्कत हो रही थी, इसलिए पवन भाई ड्रॉप लेके आए हैं। अब हम चलेंगे आगे को। यहाँ पर ठंडा ज्यादा हो गया, आप चाय पीने के लिए रुके हैं प्रमोदा और हम। चाय का लेके आया प्रमोदा ने ऑर्डर, कुछ ही देर में चाय आएगी। और पवन भाई अपने लिए दवाई निकाल रहे हैं गाड़ी से, उनकी आंख में प्रॉब्लम है, आंख में दवाई डाल रहे हैं। फिर यहाँ से चलते हैं आगे को चाय पी के। और काफी ठंडा है, देखो धुआं निकल रहा है मुंह से। और यहाँ से कैचीधाम रह गया सिर्फ 5 किलोमीटर, पहले मंदिर के दर्शन करेंगे उसके बाद चलेंगे आगे। यहाँ पर भैया ने आग जलाई है और प्रमोदा आग ताप रहे हैं, देखिए। और साथ में पानी भी हो रहा है गर्म, पानी गर्म होता पर मतलब क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, खाली कंटर है। अच्छा, कंटर धुआं निकालने के लिए कंटर रखा गया ऊपर से, धुआं सीधे ऊपर जाएगा। गरम गरम चाय और गरम गरम चाय का मजा ले रहे हैं और चाय पी के सीधे निकलेंगे। और पवन भाई की आग भी अब थोड़ी सही हो गई है, पहले से दवाई डाली इन्होंने आंख में, पहले वो गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम हो रही थी, अब सही है पहले से। पीते हैं चाय, चलते हैं आगे को। अब चाय पी के हम निकल चुके हैं आगे को और पहले करेंगे बाबा जी के दर्शन मंदिर में, उसके बाद जाएंगे हम ऊपर को, देखते हैं बर्फ। अभी दोस्त का फोन आया था, कह रहा था बर्फ गिरने लग गई है, देखते हैं। प्रमोदा हाँ पक्का डन, आज प्रमोदा हमारे साथ है तो आज बर्फ हमको मिलेगी ही मिलेगी, चलते हैं देखें। हम मंदिर पहुंच चुके हैं, अब जा रहे हैं बाबा जी के दर्शन करने अंदर। और पवन भाई और प्रमोदा गाड़ी के अंदर हैं, प्रमोदा बाहर आ गए, प्रमोदा आओ। और बूंदाबांदी हो रही है, पवन भाई भी पीछे से आ गए और हम पहुंच के मंदिर के गेट पे, दर्शन करते हैं फिर चलते हैं कहीं और घूमने।
मंदिर है और अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। हम दर्शन करने जा रहे हैं और दर्शन करके बाहर आते हैं। बाहर आ चुके हैं और अब हम कहीं और जाएंगे घूमने के लिए, थोड़ा पहाड़ों का मजा लेंगे। काफी शानदार मौसम है आज और पवन भाई आज हमें घुमा रहे हैं। पवन भाई ये हैं। अरे बहुत दिन से पीछे पड़े थे ये लोग कि हमें घुमा लाओ। हमने कहा चलो आज घुमा लाते हैं सब लोगों को। पहाड़ में बहुत बढ़िया मौसम है भाई। प्रमोद दा फोटो खींच रहे हैं अपनी। बहुत ही शानदार मौसम है यहाँ का। अब बाबा जी के दर्शन करके हम निकल चुके हैं। अब पवन भाई हमें ले जा रहे हैं मुक्तेश्वर और शायद आज वहाँ बर्फ गिरे। मौसम तो काफी अच्छा है और प्रमोद दा बैठ गए अपनी सीट चेंज करके पीछे। कह रहे आज इस तरफ को बैठूंगा अब। और प्रमोद बना रहे हो तुम? और प्रमोद हाँ प्रमोद कुछ कह रहे हैं। देखते हैं आगे को, शायद आज बर्फ गिरे आज, क्योंकि आज हमारे साथ प्रमोदा है। लकी जब भी प्रमोदा को कहीं भी बर्फ देखने जाते तो बर्फ पक्का गिरती है। अभी हम नई रोड से जा रहे हैं। पवन भाई ये कौन सी रोड है? ये रामगढ़ वाली रामगढ़ निकलती है रोड। ये यहाँ से सीधे तल्ला रामगढ़, मल्ला रामगढ़। आप यहाँ से अल्मोड़ा को भी जा सकते हैं वैसे, अगर किसी कारणवश अगर अल्मोड़ा हाईवे पे अगर लैंडस्लाइड वगैरह होता है तो ये रूट खुल जाता है बड़ी गाड़ियों के लिए, छोटी गाड़ियों के लिए। अच्छा। बट ये रूट थोड़ा सा रिस्की है। हाँ ये देखने में सिंगल लग रहा है क्योंकि ये सिंगल रूट है। और दूसरी बात, अगर कोई भी यहाँ पे सफर करे तो मेरी सबसे राय है कि वो शाम को 7 बजे के बाद इस रूट पे ना आए। अच्छा। यहाँ से पवन भाई नए रास्ते से लेके आए हैं हमको, बिल्कुल ऑफ रोड है, रास्ता तो बहुत कम है, बिल्कुल गड्ढे ही गड्ढे हैं, बहुत ही आराम से गाड़ी निकालनी पड़ रही है। ये देखिए बिल्कुल सामने ऑफ रोड है। पवन भाई बहुत ही देख के गाड़ी चला रहे हैं। ये तो गाड़ी को थोड़ा सा इधर को करेंगे तो बिल्कुल खाई है इस तरफ और किनारे किनारे पे चला रहे हैं पवन भाई। अब जब बीच में आपदा आई थी तो ये मकान उसमें क्षतिग्रस्त हो गया था। देख सकते हैं आप, बिल्कुल दिल दहलाने वाला। देखिए पूरा मकान खत्म हो गया है, ऊपर से पहाड़ गिर के देखिए सरिया ही सरिया नजर आ रहे हैं। बहुत खतरनाक रोड है, देख सकते हैं बिल्कुल एकदम कैसे हो चुका है घर। देखिए बहुत ही शानदार घर था, दुकान भी थी मेरे ख्याल से। और रोड देखिए काफी रोड धस गई है, ये 2-3 दिन की बारिश आई थी उसमें हुआ था ये। पहुंच चुके हैं नथुआ खान और काफी सुंदर जगह है नथुआ खान। पवन भाई के साथ आज हम एक और नई जगह पहुंचे हैं नथुआ खान। यहाँ से मुक्तेश्वर 12 किलोमीटर है और सिंगल रोड देख सकते हैं आप, काफी सुंदर जगह नथुआ खान। आगे और सुंदर जगह है, चलते हैं। मेरे पीछे देख रहे होंगे पुराना सा घर, ये पहाड़ों के घर ऐसे ही होते हैं और ये पुराने जमाने का घर है।
पहाड़ों में घर पहले ऐसे ही बनते थे, पर मतलब ऐसे बनते थे घर दादी पहले। हाँ बिल्कुल, देखो ये तारे लगे ना, ये सब लोग हल्द्वानी की तरफ को पलायन करके चले गए हैं। अच्छा, ये घर देखिए वीरान रह गया है। पहाड़ों के लिए, पहाड़ों में पानी पिलाने के लिए बनाया गया है, स्टोर करने के लिए, जो नदी नालों से पानी आता है वो स्टोर करते हैं यहाँ पर। और ये गांव का नजारा, मौसम में काफी ठंडक। आज हम एक और नई जगह पहुंच चुके हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, घूम रहे हैं और मजा ले रहे हैं। पवन भाई भी हमारे साथ। पवन भाई, काफी ठंडा हो रहा है मौसम, मगर काफी मजा आ रहा है पहाड़ों में घूमने में। और एक नई जगह हम घूमने पहुंचे हैं। परमुद्दा, कहाँ जा रहे हो आप? छोटा सा, किस चीज का? हिसोली। हिसोली, हिसोली का? अच्छा, हिसालू कहते हैं जिसे। अच्छा, ये देखिए आ रहे हैं इसमें, देखो फल छोटे छोटे, ये इसमें एक पीले रंग का बड़ा सुंदर सा काफल की तरह फल आता है। अच्छा, ये कब? गर्मियों में होते हैं? हाँ गर्मियों में होते हैं। ये देखो बड़ा प्यारा सा, दिखने में बड़ा अच्छा सा लगता है, वो पीले रंग का फूल, वो फूल आ रहे हैं देखो। बहुत अच्छी जगह पहाड़ में, मुक्तेश्वर से 10 किलोमीटर पहले। और ये शायद काफल का पेड़ भी है। अच्छा, काफल का पेड़ भी है। हाँ ये है तो, ये सामने काफल का पेड़ है। और काफल हिसालू देखिए, बहुत ही सुंदर जगह। हमारा एक दोस्त नया यहाँ पर मिला, काफी ठंडे बाल हो रहे हैं इसके, और इसका एक दोस्त जोड़ीदार भी है। आज हम वही भैया की दुकान पर पहुंच गए दोबारा से, जिनके वहां उस दिन हम आए थे, और हम काफी घूमे, मजा लिया मुक्तेश्वर का। अब नीचे को जा रहे हैं हल्द्वानी को। ये देखो परमोदा कुछ लाए हैं, क्या है परमोदा? ये होता है चीड़ का फल। चीड़ का, ये चीड़ का फल, ये देखिए कितना शानदार फल है ये। ठीठा, क्या है परमोदा? ठीठा, ठीठा। परमोदा नई नई चीजें दिखा रहे हैं। इसके अंदर ना एक वो बीज होता है, उसको अच्छा खाते हैं, बड़ा अच्छा टेस्टी होता है। अच्छा, जैसे वो होता है अपना कद्दू का बीज, उस टाइप का निकलता है, इसे कहते हैं ठीठा। परमोदा एक और नई चीज लाए हैं, ठीठा। और यहाँ देखो हमारे पीछे कितना प्यारा मौसम है। मौसम एकदम शानदार। एक देखो मंदिर, और छोटा सा पीछे मंदिर भी है, पत्थर में बनाया मंदिर है। और बस बूंदे गिर रही हैं, बूंदे ही गिर रही हैं, बस बारिश, बर्फ हमारी किस्मत में नहीं है। बस हम आते हैं, बारिश देखकर वापस चले जाते हैं। चलो चाय बन गई है, चाय पी लेते हैं। परमोदा क्या लाए हैं? परमोदा पहाड़ी नींबू दिखा रहे हैं, पहाड़ी नींबू। ये इसको छान के खाते हैं ना, ये है मुक्तेश्वर का पहाड़ी नींबू, इसको छान के खाते हैं, बड़ा टेस्टी होता है। अच्छा, भांग की चटनी, दही डाल के, फूल डाल के। परमोदा ले जाएंगे इसे हल्द्वानी और कल छानेंगे और खाएंगे धूप में बैठ के, ठीक है? दादी के वहाँ हमने ऑर्डर दे दिया है आज बंद मक्खन का, और हमारा बंद मक्खन तैयार हो रहा है, और साथ में चाय, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। अब ड्राइवर हो गया चेंज, अब प्रमोदा के हाथ में आ गया स्टीयरिंग, और मौसम हो गया बिल्कुल काला, और आगे बड़ा यहाँ पर बूंदाबांदी होनी स्टार्ट हो गई है, और देखते हैं बाहर बर्फ गिरने लग गई है। चलिए देखते हैं, परमोदा भी एंजॉय कर रहे हैं बर्फ का, और पवन भाई भी फोन लगा रहे हैं घर पे, छत पे देखो, गाड़ी की छत पे बर्फ हो गई है, और कुछ देर बाद और बर्फ गिरेगी। आज इतने दिन के बाद आने के बाद
यहाँ बर्फ देखिए गिरने लग गई है और देखिए बर्फ काफी बर्फ गिर चुकी है यहाँ पर काफी। देखिए मेरे पीछे बर्फबारी बारिश स्टार्ट हो चुकी है और अंधेरा हो चुका है और हम पहुंच चुके हैं भीमताल और थोड़ी देर में हल्द्वानी पहुंच जाएंगे। काफी मजा आया आज, बर्फ देखने को भी मिली और अब पवन भाई गाड़ी चला रहे हैं, परमुद्दा बैठ गए पीछे। चलते हैं गाइस, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जाने से पहले गाइस आपने करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। मिलेंगे एक और नई जगह, बाय बाय।